सोयाबीन को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको दो तीन पानी में से धो के इसको बिल्कुल साफ करूंगी। फिर मैं इसको मिक्सी में कीमा बना दूंगी। और अगर आप छोटी वाली पतली वाली सोयाबीन भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें धोकर फिर हम इसको कीमा बनाएंगे। थोड़ा गर्म पानी से पहले भिगोना चाहिए। इसमें हम डालेंगे हींग, थोड़ी सी हींग, डाइजेशन के लिए बहुत सही होती है। इसमें सौंफ, इसमें अजवाइन, इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, नमक स्वाद अनुसार। इसमें जाएगा आपके पास जो मसाला हो, आधा पाउच मैंने पास्ता मसाला डाला है, मेथी मसाला, जो भी आपको डालना हो। और इसमें जाएगा एक चम्मच दही, ज़्यादा नहीं डालेंगे। बाइंडिंग के लिए डालेंगे एक चम्मच मैदा। इसमें जाएगा एक चम्मच बेसन। अब हम इसके गोल गोल फेरे बनाएंगे। मैं इसका एक सीक्रेट बता रही हूँ। जैसे हम बनाते हैं तो इसको पलटते हैं तो चिपक जाते हैं। इस तरह से पानी का हाथ गीला लगाएंगे हम तो ये अब चिपकेंगे नहीं और पलटने में सही रहेंगे और बिल्कुल फेरेंगे। और मेरे इस तरह से बन गए गोले, छोटे बड़े साइज अपने हिसाब से बने। ये दिक्कत नहीं करेंगे आपको, अपने आप ही हो जाएंगे इस तरह से।